हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू अगेन। टुडे वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर गोइंग टू डिलीवर अबाउट ग्रो ट्री एकेडमी फाउंडेशन बैच क्लास 6 to 12। आपको जान के बहुत ही खुशी होगी क्लास 10 के बच्चों को कि क्लास 10 के बच्चों सीबीएसई वाले जो लाइव प्रोसेस न्यू सेशन न्यू स्टाइल में हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही यूनिक होने वाला है बच्चों। तो आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा ये चैप्टर्स हम कवर कर पाएंगे और बहुत ही इजी गोइंग में जो हमारा लाइव प्रोसेस ये है, ये बहुत ही इजी गोइंग में बेटा हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे और बहुत ही इजीली समझ भी पाएंगे। ये बायो का चैप्टर्स है जिसमें देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे लाइव प्रोसेस जो शो कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कर्सर से मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि क्या क्या लाइव प्रोसेस। पहले तो ये डायग्रामेटिक है, आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे कि लाइव प्रोसेस में जो डायग्राम्स में यहाँ आपके सामने गाइस शो कर रहा हूँ, जैसे कि ये ह्यूमंस का है जो लंग्स क्या कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, O2 को CO2 को आउट कर रहा होगा। फिर यहाँ पे ये जो बेटा डायग्राम है, इस लाइव प्रोसेस में हम इसी सर्वाइव करने के लिए ऑन द अर्थ सरफेस पे हमें सर्वाइव करने के लिए लाइव प्रोसेस को समझना बहुत ही इजी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस लाइव प्रोसेस को क्या कर सकते हैं बेटा, समझ भी सकते हैं कि लाइव का मतलब होता है ही है कि जीवन और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो इस लाइव प्रोसेस दोनों को, लाइफ और प्रोसेस दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन के लिए प्रोसेस होना कंपलसरी है, विदाउट प्रोसेस वी कैन नॉट सर्वाइव। मतलब जीवन के बिना प्रोसेस क्या है, जो जीवन है वो प्रोसेस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि बेटा ये ह्यूमन है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन टेक कर रहा है, CO2 आउट कर रहा है। ये ब्लड वेसल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ब्लड हमारे बॉडी में दौड़ते रहते हैं। ये अपर सरफेस पे जो दिख रहा है बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये आप जो देख रहे हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्यों फल का यहाँ पे न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, ये इस फल से हमें एनर्जीज मिलती हैं, ठीक है। और ये वाटर्स का सिंबल है, ये हमारे लाइफ, मतलब जब हम लाइफ अर्थ पे पॉसिबल होते हैं तो इस प्रोसेस से, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से हम लाइफ यहाँ अर्थ पे पा पाते हैं। फिर बेटा इसमें देखो, इसी को लाइफ को हम थोड़ा और इजी बनाते हैं, वहां तो डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश कर रहा है कि न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्क्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सक्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को बेटा हमें डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अगर लाइफ प्रोसेस जो है हमारी, अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिशन का हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, एक्सक्रेशन हो सकते हैं, रिस्पिरेशन होते हैं। आप कहोगे कि सर ट्रांसपोर्टेशन इसमें क्या होता है, तो देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो ब्लड के द्वारा की जाती है। ब्लड जो आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रही है बेटा, ये आपका ब्लड वेसल्स है, इसमें WBC, RBC एंड प्लेटलेट प्लाज्मा सब फ्लो करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको फूड न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी फ्लुएंसी होती है यहाँ पे, तो बहुत सारे सब्सटेंस हार्मोन का भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। और लंग्स ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके वजह से हम ऑक्सीजन या CO2 अदर गैसों का क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं। और ये देखो बेटा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है आउटर सर्फेस पे, लार्ज बस नाम होता है, ये बड़ी होती नहीं है एक्चुअली में, क्या है साइज में, डायमीटर में छोटी, डायमीटर में बड़ी होती है, साइज में छोटी होती है। और ये इंटरनल जो बेटा ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है बस नाम बड़ा है, साइज में छोटा है बट डायमीटर बड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये साइज में बेटा ज्यादा बड़ी होती है, एज अ 6 बोल सकते हैं, हाँ 6 मीटर की लगभग होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर की हो सकती है, ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि स्पर्म सेल जो मेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये ओबा होता है
और इसके स्पर्म सेल के टिप पे क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, जिसमें लाइसोसोम होते हैं जो डिसॉल्व करते हुए अंदर पास करते हैं और इस न्यूक्लियस जैसे फ्यूज होकर जायगोट बनाता है और यहाँ पे रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है और यहाँ जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो क्या बना लेती है, फिटस का तैयार कर लेती है। इसी तरह मेटाबोलिज्म, बेटा जो भी रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उन्हें मेटाबोलिज्म बोलते हैं। मेटाबोलिज्म बेटा दो टाइप से हो सकते हैं, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म के रूप में दो प्रोसेस होते हैं। तो आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस, तो वेरी सिंपल हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को मेंटेन करता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, लाइव प्रोसेस कहते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे इजी गोइंग में आपके लिए डिफिनेशन है, द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइव प्रोसेस। ओके, अब इस लाइव प्रोसेस के लिए देखिए ऐसा नहीं है कि ये तो हम ह्यूमंस की बात कर रहे थे, ये चीजें डॉग्स में भी, रैट्स में भी और इवन प्लांट्स में भी पॉसिबल, इजी है, बहुत ही इजी है ये सारी चीजें। जैसे कि हमने यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, तो न्यूट्रिशन बेटा, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ क्या है, व्हाट इज अ, दिस इज अ प्रोसेस, एक होता है न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है बेटा न्यूट्रिशन। तो यहां पे मैं राइट कर रहा हूं, ये न्यूट्रिएंट है और एक न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन बेटा प्रोसेस होता है और वहीं हम बात करें न्यूट्रिएंट की तो ये कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, दिस इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ फूड, मे बी प्रोटीन, मे बी कार्बोहाइड्रेट, मे बी फैट, मे बी विटामिन मिनरल्स एंड क्या हो सकते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, ये क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं जो हमारे बॉडी को नीडेड होते हैं। हमारी बॉडी कुछ भी खाते हैं, हम चाहे जंक फूड खाते हैं, चाहे वो हेल्दी फूड्स खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स के आइटम हो, चाहे वो एनिमल्स के आइटम हो, इन सभी फूड आइटम से हमें बॉडी को सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, अदरवाइज हमारे बॉडी को इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, टेस्ट लेना अलग बात है, बट हमारे बॉडी को प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, जिसको आपको पता होगा प्रोटीन इज नोन एज बिल्डिंग ऑफ लाइफ, या बोल सकते हैं प्रोटीन क्या है, फूड बिल्डिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बिल्डिंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट बेटा एनर्जी गिविंग फूड है और वही फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है जो मोर सबसे हाईली एनर्जी प्रोवाइड करती है, और मिनरल्स को प्रोटेक्टिंग फूड बोलते हैं, विटामिन को भी प्रोटेक्टिंग फूड्स बोलते हैं। तो ये तो हमारा न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब आप पूछोगे कि सर आप यहाँ पे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट तो आई नो दैट कि इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड, सो बट What is a nutrition? Nutrition is beta process है। Due to this process, we obtain these all nutrients। हम मतलब nutrition के process से nutrient हमारी body में अंदर आता है, हमारे cell obtain कर पाते हैं और energy के form में convert कर पाते हैं, हमारे building को, जैसे हम small baby होते हैं, उसे small baby से हम large होते हैं, फिर more large होते हैं, कम weight होता है, ज़्यादा weight आता है due to the help of food items। और ये फूड आइटम को यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी हमारी बॉडी की पास होती है, जिसमें आप देखते हो कि हम माउथ से च्यूइंग करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं चीजों को। आई होप हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके, आई होप थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं। सपोज दैट इट इज अ ह्यूमन और ये रहा इनका, दिस इज अ एलिमेंट्री कैनाल एंड यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे स्टमक, और ये हमारा बेटा क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी। ओके सॉरी, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी यहाँ पे, और इस लार्ज इंटेस्टाइन से हम क्या करेंगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, यहाँ से कलेक्शन हो सकती है, और यहाँ पे अपेंडिक्स होते हैं आपको पता होगा, ठीक है, और स्टमक की यहाँ पे क्या होगा बेटा, एनस होगा, और यहाँ पे अंदर इंटरनल पार्ट क्या होगी, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन्स है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे माउथ है, यहाँ पे हमने फूड को ईट किया, चुविंग किया, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल डाइजेशन पॉसिबल हुआ। तो फिजिकल डाइजेशन किससे होता है बेटा, टीथ से जब हम किसी फूड पार्टिकल्स को बाइट करते हैं, चुविंग करते हैं और स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिजेशन। मतलब हम कोई भी फूड मॉलिक्यूल्स अपने माउथ तक पहुंचा देते हैं
इंजेस्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिजेशन। आफ्टर दैट बेटा हम उसको निगल लेते हैं और च्यूइंग करते हुए कहाँ पहुंचा देते हैं, अपने स्टमक में। स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं बेटा और इंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, जर्म्स को। और यहाँ पे च्यूइंग करते करते ये क्या बेटा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं और इंटेस्टाइनल इंजाइम के हेल्प से वो डाइजेस्ट होते हैं और सिंप्लीफाई होते हैं और मॉडिफाई होते हैं और सिंप्लीफाई होकर बहुत सारे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे माइक्रोविली के प्रोसेस से वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में मिला देते हैं। देन ये और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं बेटा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर दैट रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं, देन एनस के थ्रू से बॉडी क्या कर देती है, उसको आउट कर देती है। जो सॉलिड मटेरियल आउट होती है उसे वो फिकस करते हैं, फिकस, राइट। तो दिस ऑल प्रोसेस, ये जो आपको मैंने यहाँ पे ऑल प्रोसेस समझाया, ये बेटा न्यूट्रिशन कहलाता है। दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन, इट इज अ प्रोसेस। तो इसको कंप्लीट होने के लिए 5 स्टेप चाहिए। पहला है इनिजेशन, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड है एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन होगा, एंड फोर्थ होगा बेटा आपका एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ होगा इनिजेशन। तो हमने जो टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज नोन एज इनिजेशन, एंड ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन, एंड थर्ड है बेटा हमने जो बोला एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। बहुत सारे होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं उस डाइजेस्ट मतलब जो सिंपलर फॉर्म है जो फूड कन्वर्ट हो गई है ड्यू टू द हेल्प ऑफ एंजाइम, ड्यू टू द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ सम एसिड, ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेरी वेरी सिंपलर फॉर्म में और माइक्रोविली जो है उन्हें एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व कर देती हैं और ये जाके हर एक सेल तक पहुंच जाता है, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ओके। और आफ्टर दैट जो सॉलिड मटेरियल बच जाते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बचते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, जिससे एक्सेस वाटर का लॉस ना हो बॉडी से, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से वाटर को क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ समय के लिए इसे कहाँ रख देती है, रेक्टम में स्टोर कर देती है। आफ्टर सम टाइम इट पास फ्रॉम द बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ एनस, ओके। तो दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। रिस्पिरेशन की बात करें बेटा, तो रिस्पिरेशन आप आल्सो जानते हो कि रिस्पिरेशन सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहलाता है और रिस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है बेटा और दिस प्रोसेस के हेल्प से हम हमारी बॉडी हर एक सेल एनर्जी बना पाती है, जिसमें एक्सहेलेशन और इनहेलेशन आता है, जिसे हम ब्रीदिंग भी करते हैं, तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। थर्ड आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है कि सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी में अच्छे से ब्लड का फ्लुएंसी होती है, हार्ट क्या करता है उसे पंप करता है, ठीक है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है, जिससे हर एक बॉडी के सेल क्या करते हैं उस ब्लड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, फैला देते हैं, और जिससे हमारी चीजें बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। फिर रिप्रोडक्शन आता है, जिससे प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वन, जो न्यू यंग वन मतलब हमारी लाइफ जो पॉसिबल होती है बेटा वो बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको कि इजी है ड्यू टू द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास सर्टेन टाइम पीरियड होता है, क्योंकि वी नो दैट वी टेक अ बर्थ, आफ्टर सम टाइम वी ग्रो इन न्यू इंडिविजुअल लाइक अ चाइल्ड, फिर चाइल्ड टू यंग वन, यंग वन टू क्या बनते हैं बेटा एडल्टहुड होते हैं, और एडल्टहुड के बाद हम ओल्ड होते हैं, देन हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। तो अर्थ पे लंबे समय तक अपनी स्पीसीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। फिर पांचवा आता है बेटा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कि हमें मॉस्किटो काट रहा है तो हमें पता चल जाता है व्हाट विल हैपन, समवन इज बाइटिंग टू मी, देन आप क्या करते हो, हिट करते हो या प्रोटेक्ट करते हो, या हम देखो इंस्टेंट दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, स्टिमुलस दो तरह का होता है, एक मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रेन एंड अकॉर्डिंग टू स्पाइनल कार्ड, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बाद में बात कर सकते हैं। एस्क्रेशन, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं जिनको बॉडी आउट ना करे तो टॉक्सिक सब्सटेंस वो हमारे लिए पॉइजनस हो जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है, इसलिए एस्क्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बॉडी के सेल के द्वारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते हैं और इस वेस्ट मटेरियल को सॉलिड के फॉर्म में तो उसे बॉडी रिमूव कर देती है बाय द हेल्प ऑफ एनस, बट
इससे ब्लड में जो होते हैं तो किडनी भी फिल्टर करती रहती है और स्वेट ग्लैंड भी इसको आई होप 1% तो कर ही देता है यूरिक एसिड को। लास्ट में बेटा इसमें एक प्रोसेस है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। देखिए ह्यूमन बीइंग्स जो है प्लांट की तरह तो है नहीं, कि प्लांट क्या है ऑटोट्रॉपस होते हैं, इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बना लेते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए इनको क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर। और लेकिन ह्यूमन बीइंग्स हो गए, अदर एनिमल्स हो गए जो हेटरोटॉपस होते हैं बेटा, वो अपना फूड जो नहीं बना पाते हैं उनको हेटरोटॉपस बोलते हैं, और इनको फूड अगर चाहिए अच्छे से रहना है अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो इनको मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट में मूवमेंट तो होती है बेटा लेकिन लोकोमोशन नहीं होता, और ह्यूमन बीइंग या ऑल एनिमल जो हेटरोटॉपिक होते हैं बेटा उनमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों पाया जाता है। राइट, आफ्टर दैट हम बात कर सकते हैं कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट बेसिस ऑफ, लेकिन आपको देखिए यहाँ पे जितना हम ये सारे प्रोसेस मैंने बताया है न्यूट्रिशन रिस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन ऑफ मटेरियल रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड एस्क्रेशन एंड मूवमेंट एंड कॉम्बिनेशन लोकोमोशन, ये चीजें आपको इसमें से 7 पॉइंट मैंने ये बताया, इन 7 पॉइंट्स में से बेटा आपको सिर्फ ओनली 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं जो आपके चैप्टर्स में आने हैं क्लास 10। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट बेसिक प्रोसेस दैट इज अ न्यूट्रिशन। देखो बेटा आपको इसमें न्यूट्रिशन के बारे में समझना होगा, रिस्पिरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड एस्क्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, रिस्पिरेशन भी बहुत ही फैंटास्टिक है, हम लोग जानेंगे अपने बारे में और एंजॉय करेंगे और एग्जाम में भी हमें मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो इस और ट्रांसपोर्टेशन भी बेटा इट इज इंपॉर्टेंट एंड हार्ट के सिस्टम को हमें समझने में बहुत मजा आने वाला है, एस्क्रेशन भी क्यों जरूरी है। तो ये 4 सिस्टम के बारे में हम इस 4 प्रोसेस के हेल्प से हमारे बॉडी में कितना यूजफुल है और कितने हद तक यूजफुल है ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, 2 क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के सामने। वॉट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर द सम टाइम इज अलाइव, मतलब क्या क्राइटेरिया होती है, क्या आप बोल सकते हो कि डिसाइड कर सकते हो कि सम टाइम अलाइव। We can decide that sometime alive on the basis of certain specific characteristics are not found on the living objects. Are important characters क्या क्या हो सकते हैं बेटा, तो पहला characters है living organism are made up of cell and certain protoplasm. जो living organism के cells होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, जो भी living organisms हैं वो made up of cells हैं। ठीक है, ये मेन कैरेक्टर है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। आप सेल चैप्टर क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़े हो, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, एमजे स्लीडन एंड थियोडोर स्वान ने सबसे पहले प्रूव किया कि ऑल एनिमल मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। आफ्टर दैट ये डिसाइड किया गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, और आपको पता है बेटा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल से बने हैं उन सेल में लिविंग सब्सटेंस जो है वो प्रोटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये पहला पॉइंट आपका डन होता है। सेकंड पॉइंट मैंने दिया है कि दे रिस्पायर बाय द इनहेलेशन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे ये रिस्पिरेशन का पार्ट है, ये भी लिविंग कैरेक्टर है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इनहेल कर सकता है और एक्सहेल करता है, और ड्यू टू द हेल्प ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन और हम क्या कर पाते हैं एक्सक्रेशन का भी लंग्स काम कर लेता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ड्यू टू द हेल्प ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन पॉसिबल हो सकता है, जिससे बॉडी को एटीपी के फॉर्म में, हाँ एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिल पाती है, जो बॉडी एडीपी के फॉर्म में एनर्जी खर्च करती है। आप पूछोगे कि सर एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है बेटा, एंड एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, इससे सेलुलर रिस्पिरेशन में और अच्छे से हम लोग बात कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है बेटा द रिक्वायर्ड फूड फॉर परफॉर्मिंग लाइफ एक्टिविटी, ये हम देखो फूड की जरूरत हम किसको पड़ेगी, नॉन लिविंग थिंग्स को तो पड़ती नहीं है, ये किसको पड़ती है लिविंग, हमें फूड की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन मिनरल्स ये सब सारी चीजें चाहिए, और बॉडी को ये सब बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है अच्छे से सर्वाइव करने के लिए, अच्छे से वॉक करने के लिए। आफ्टर दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन्स जैसे कि हमारे किडनी हो गए लंग्स हो गए इनमें भी डैमेज होते रहते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है जिससे ये ग्रो कर पाए और हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ फूड। इंक्रीज देयर नंबर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और ये भी आप समझ ही गए हो कि हमारे पास लाइफ सर्टेन कम होती है, दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑन द अर्थ पे अपनी स्पीसीज को बचाना है तो क्या करना है रिप्रोडक्शन जरूरी हो जाता है। ओके, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म, कौन सी रॉ मटेरियल है जो हमें ऑर्गेनिज्म को यूज करना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो पहला आप बोलोगे कि सबसे फर्स्ट एसेंशियल थिंग है बेटा ऑक्सीजन,
उसके बाद CO2 आउट करते हैं। CO2 देखिए ह्यूमंस को तो एनिमल्स को तो चाहिए नहीं, ये प्लांट के लिए जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होना जरूरी है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही ऑक्सीजन बेटा बनता है, राइट। आफ्टर दैट वाटर इज सेकेंड इसेंशियल एंड थर्ड इज अ फूड, आफ्टर दैट मिनरल एंड विटामिन्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आफ्टर दैट बेटा हम न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट न्यूट्रिशन क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड है कि क्या है, प्रोसेस, प्रोसेस इट इज, न्यूट्रिएंट इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, बाय ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन एंड मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसको दो तरह के भागों में बांटा गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। ओके, तो लेट्स अगले वीडियोस के लिए हम फिर देख लेते हैं बेटा, वी कैरी ऑन, बाय बाय।